Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7. It's your science class and we are reading third chapter of our syllabus, that is reproduction in plants. And in my previous video, I taught you about the flower in detail, the parts of flower. पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको याद होगा चार होते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है सेपल्स, देन पेटल्स, देन स्टेमल्स, देन कार्पल. तो अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक आज हमने पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या है, आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ा था एंथर, जो कि मेल पार्ट कहलाता है. उसमें जो है वो उसके टॉप पे पोलन्स होते हैं, वो जो है उन पोलन्स का ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पहले सेल्फ पॉलिनेशन देख लेते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द सेम फ्लावर गो टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और इन द फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, यानी उसी प्लांट के ऊपर किसी दूसरे फ्लावर में या उसी फ्लावर के स्टैमन तक अगर जाते हैं तो ये जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है. और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन्स जो हैं वो उसी स्पीशी के किसी दूसरे प्लांट में मौजूद फ्लावर तक जो ट्रांसफ़र होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि हमें वराइटी ऑफ यंग प्लांट्स जो है वो मिलती है. अब पॉलिनेशन जो है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, तो ऑब्वियसली उसी, मैंने आपको बताया कि उसी प्लांट में मौजूद किसी दूसरे फ्लावर में या उसी सेम फ्लावर पे जो है वो ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स को कहते हैं. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट वेज होते हैं, जिनमें हमारे पास फोर वेज हैं. इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इसके बाद हमारे पास विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड बैट पॉलिनेटेड एंड पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. सबसे पहले हम देख लेते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स. आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को जो फ्लावर्स का स्ट्रक्चर बताया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पेटल्स होती हैं उनके बेस में, उनके बिल्कुल नीचे जो है एक नेक्टरी होती है जो कि एक शुगरी जूस या नेक्टर प्रोड्यूस कर रही होती है. इसके अलावा जो हमारी पेटल्स होती हैं वो ब्राइट कलर की होती हैं और सेंटेड होती हैं, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं. तो बहुत सी प्लांट्स हैं जैसे कि रोज़ है या फिर जिरेनियम या इस तरह के और भी बहुत से, या अनार या पोमेग्रेनेट के जो फ्लावर्स हैं उनके लिए, उनमें मोस्टली इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन का सबब बनते हैं. होता क्या है कि इनके कलरफुल पैटर्न्स की मदद जो है, इनकी कलरफुल पैटर्न्स जो है वो अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को. इंसेक्ट्स आते हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं तो ना सिर्फ वो पोलन्स पे बल्कि जो नेक्टरी है उस पे भी, जो यहाँ पे जूस प्रोड्यूस हो रहा है उस पे फीड करते हैं. और इसके नतीजे में क्या होता है, जब वो इस फ्लावर के अंदर जो है वो वॉक करते हैं तो उनके ऊपर जो है वो पोलन्स बहुत सारे उनके पाँव पे, उनके विंग्स पे जो है वो लग जाते हैं. तो जब वो वहाँ से उड़ के उसी यानी किसी दूसरे सेम स्पीशी के किसी दूसरे फ्लावर पे जाके जब बैठते हैं, और वो पोलन्स ज़रूरी नहीं कि वो उसी पे बैठे हैं, सेम स्पीशी पे बैठे हैं, वो डिफरेंट फ्लावर्स पे बैठ सकते हैं, लेकिन जब वो सेम स्पीशी के किसी फ्लावर पे बैठते हैं तो उनके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा क्या था, हमारा जो गाइनेशियम था यानी फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसका जो टॉप था वो स्टिग्मा जो कि स्टिकी होता है. अब जी स्टिकी होता है तो क्या होता है, जो पोलन्स जो किसी बर्ड के, सॉरी किसी इंसेक्ट के बॉडी पे लगे हुए थे वो ये अपने ऊपर जो है वो चिपका लेता है, जहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं नीचे, और इस तरह से जो है वो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स की मदद से होती है. इसके अलावा एक वजह ये भी होती है कि बहुत से जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें जो मेल पार्ट यानी कि एंथर है वो पहले राइप हो जाता है, तो वहाँ पे जब आते हैं इंसेक्ट्स तो वहाँ से वो पोलन्स लेके जब किसी ऐसे फ्लावर पे जाते हैं यानी ओल्डर फ्लावर पे, जो कि पुराना होता है ज़्यादा, जिसका फीमेल पार्ट जो है राइप हो चुका होता है, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो इस तरह से पॉलिनेशन हो जाती है. इसके अलावा जो है कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जब उनके ऊपर इंसेक्ट्स आके बैठते हैं तो इंसेक्ट्स के वज़न से जो स्टैमल्स हैं उस झटके से जो है वो झड़ जाते हैं उनकी बॉडी पे, और वही फ्लावर्स इंसेक्ट जब किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स हो जाता है. इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है विंड पॉलिनेटेड
फ्लावर्स हैं जो हवा की वजह से, जो विंड पॉलिनेटेड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, इनमें मोस्टली जो इनकी पेटल्स होती हैं या तो वो नहीं होती या होती हैं तो वो मोस्टली छोटी होती हैं, और इनके जो पॉलन्स होते हैं वो साइज़ में ज़्यादा छोटे और हल्के फुल्के होते हैं, क्योंकि इन्होंने हवा की मदद से जो है वो ट्रांसफ़र होना होता है इनका, लिहाजा इनमें पेटल्स या तो नहीं होती या अगर होती हैं तो वो बहुत छोटी होती हैं, और इसके अलावा इनके जो पॉलन्स होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, लिहाजा ये विंड की मदद से आसानी से जो है वो इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली जब विंड की मदद से ट्रांसफ़र होता है तो वो ज़ाहिर है कि बहुत से जो पॉलन्स हैं उसमें से ज़ाया हो जाते हैं, कि ज़ाहिर है हवा जब उड़ा के लेके जाएगी तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो किसी फ्लावर ही पे जो है वो ले करें, वो बहुत सारे जो है किसी दूसरे फ्लावर पे, किसी दूसरे प्लांट पे भी गिर जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो है वो लैंड पे भी गिर जाते हैं, ज़मीन पे भी गिर जाते हैं। लिहाजा जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनके जो पॉलन्स हैं ना सिर्फ वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे पॉलन्स जो है वो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। अब जो फ्लावर्स बर्ड्स के ज़रिए पॉलिनेट होते हैं उनकी नॉर्मली आप यहाँ देख सकते हैं बेल शेप होते हैं, ताकि जो है वो बेल शेप होते हैं ताकि यहाँ से जो है वो बर्ड अपनी बीक की मदद से इनके अंदर से जो है वो स्टैमन्स लेते हैं। ऑब्वियसली वो जो स्टैमन्स सॉरी पॉलन्स लेते हैं वो खाली पॉलन्स लेने नहीं आए होते, वो बेसिकली इसका जो नेक्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया पेटल की बिल्कुल बेस में जो है वो नेक्टर जो है होती है, जो कि जूस प्रोड्यूस कर रही होती है, ये आके उस पर फीड करते हैं, पॉलन्स पे फीड करते हैं, और इसके साथ साथ जब ये इसमें मौजूद और इंसेक्ट भी होते हैं जो इनके ऊपर आए होते हैं, इंसेक्ट जो है ऑब्वियसली वो महज देख के नहीं जाते कि ये टाइप कौन सी टाइप का फ्लावर है, वो हर तरह के फ्लावर्स में बैठते हैं, तो इसके अंदर मौजूद जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी ये खा लेते हैं, और इसके साथ साथ इनकी जो है वो बॉडी पे, इनकी बीक पे जो है वो पॉलन्स लग जाते हैं, जो कि ये जब उसी स्पीशी के किसी दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो है वो स्टिग्मा उनको कैच कर लेता है। इसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन बाय बैट्स। पॉलिनेशन बाय बैट्स में हमारे पास जो ज़्यादातर जो कॉमन एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगी उनमें सबसे कॉमन है मैंगो। मैंगो के अलावा और भी बहुत से हमारे वेबो और कैपोक ट्रीज़ हैं जिनमें, और इसके अलावा सम टाइप्स ऑफ कैक्टाई जो कि डेजर्टेड प्लांट होते हैं, इनके जो फ्लावर्स हैं ये नॉर्मली बड़े होते हैं, और इनको जो है बैट जो है वो जब इनको खाने के लिए आती है इनके फ्लावर्स पे आती है, वहाँ से पॉलन्स लेती है, इनके पॉलन्स भी बड़े होते हैं, ज़ाहिर है जब फ्लावर्स बड़े होते हैं इनके पॉलन्स भी बड़े होते हैं, तो वहाँ पे आती है तो उसके फर पे, उसकी बॉडी पे जो है वो पॉलन्स लग जाते हैं, और इसी तरह से जब वो जाती है किसी दूसरे के ऊपर, दूसरे उसी स्पीशी के किसी दूसरे फ्लावर पर जाती है, तो वो इस तरह से पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन का सबब बनती है। मैं आपको फिर बता दूं पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, और वो अगर सेम उसी प्लांट में मौजूद उसी फ्लावर के अंदर हो या उसी प्लांट के ऊपर मौजूद किसी दूसरे फ्लावर पे हो तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, लेकिन जब ये किसी दूसरे प्लांट पे हो रहा होता है, मीन्स उसी स्पीशी के किसी दूसरे प्लांट पे जब इसका ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप, जो कि मैंने आपको बताया पॉलिनेशन की वेज, पॉलिनेशन के फोर वेज होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के फोर वेज होते हैं, जो कि पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय बैट्स, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स एंड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अब इसका थोड़ा सा दो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। What is pollination? How many types of pollination? Pollination. The transfer of pollens from stamen to stigma is called pollination. Types of pollination. There are two types of pollination, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination. It is the transfer of pollens from the stamens to the stigma of the same flower or to another flower of the same plant. Cross-pollination. It's a transfer of the pollens between the stamen of one flower to the stigma of the flower on a different plant of the same species. Next question. Insect-pollinated flowers produce fewer and larger pollen grains than wind pollinated flowers. Why? Bright color petals and of
इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स अट्रैक्ट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स हु फीड ऑन पोलन्स एंड नेक्टर देयर एंड कैरी सम ऑफ द पोलन्स pollen grains to another flower of the same species. While wind pollinated flowers have to rely on wind, the pollen grains have to be small so that they blow along easily. They are great in number because most of them will be wasted. Okay class, I'm sure aap logo ko samajh mein aa gaya hoga aur ye work aap jo hai नीट एंड क्लीन कर लीजिए और कोशिश करें कि वर्क आप पाइल अप ना करें. वीकली बेसिस पे आप जो है वो कॉपी चेक करवा दें. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जल्द दीजिए. अल्लाह हाफिज़.